बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू एनएमडीकेट फिजिक्स क्लास। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं, ये आप लोगों के कोर्स का जो सिलेबस है उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या चीज़, डिफिनीशन में आप लोग देख सकते हैं कि द शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अंडर द एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। या इसका डिफिनीशन जो है हम इस तरह भी कह सकते हैं, और ये आपके पेपर में भी आ सकता है, कि द नॉन कंसेंट्रिक नेचर ऑफ चार्जेस ऑफ एन इंसुलेटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। किस तरह होता है बेटा, देखो एक मटेरियल में लेता हूं, इस मटेरियल में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पे ये मुश्तमिल है, रेंडमली ये मोशन करते हैं, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। अब ये एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेता हूं, ठीक है, मेटल में नहीं रख सकता, एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब मैंने दो प्लेट्स ली हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव प्लेट है। इस प्लेट के दरमियान इसी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसको रखता हूं, तो इसकी जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे कुछ नेगेटिव, और यहां पे कुछ यहां पे पॉजिटिव आ जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट हो गए एक दूसरे के साथ अंडर द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहां पर कैसा है, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। और इस दौरान आपने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो ये जाहिर बात है कि यहां पर फिर क्या होगा, ये चार्जबल होगा, ये पोलराइजेशन इसमें होगा, इसके जो चार्ज पार्टिकल है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा टुवर्ड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव शिफ्ट होगा टुवर्ड नेगेटिव। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस दौरान करंट भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो करंट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। देखो ये तो असल में डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ना, ये डिफ्यूज होता है, ठीक है, जब ये मोशन में आ गया तो इसका मतलब इस दौरान करंट भी प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो करंट बहुत कम टाइम के लिए है। उस करंट को हम अक्सर जो है ट्रांजिट करंट भी कह सकते हैं। कौन सा करंट कह सकते हैं, ट्रांजिट करंट, बहुत शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस होता है। बाज लोग इसको हम कह सकते हैं डिफ्यूजन करंट, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है ये डिफ्यूजन की वजह से हो गया, डिफ्यूजन हो गया तो करंट प्रोड्यूस हो गया, उसको हम डिफ्यूजन करंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन के क्या इफेक्ट है तो वो पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा पोलराइजेशन के बाद। पोटेंशियल क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आपने पढ़ा है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी। तो वी के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ताल्लुक है वो क्या है, डायरेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। अगर ये याद नहीं होता तो फिर आपको ये भी याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी याद होनी चाहिए। दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, एक केस तो ये है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, और एक केस आपने पढ़ा है कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। जब रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होता है तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा, रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीज होता है
तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसमें जो चार्ज है वो तो रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एनर्जी यहां पर क्या है, डिक्रीज है, या एनर्जी जो है इंक्रीज है। बेटा तो आप लोग, मैंने यहां पे तो डिक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग यहां पर क्या लिखे, इंक्रीज लिखे। अब ये आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि अगर ये प्लेट्स के दौरान यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करें, जीरो करें, मतलब बैटरी रिमूव करें, तो फिर पोलराइजेशन पे क्या असर पड़ता है, अगर बैटरी को कनेक्टेड हम रखें तो फिर इन चीजों पर क्या असर पड़ता है, वो तो ऑलरेडी मैं लास्ट 2 to 3 लेक्चर ये बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि बैटरी कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट होगी, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो फिर क्या चीज कांस्टेंट होगी। अब यहां पर देखें, जो मॉलिक्यूल्स है, जो द इलेक्ट्रिक मीडियम है, इसको हमने जो मॉलिक्यूल लिया है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटीरियल हो, ये दो किस्म के मॉलिक्यूल से बनते हैं। देखो, आप लोग बाजार में कोई चीज खरीदते हो तो वो दो किस्म के मिलते हैं, एक ओरिजिनल मिलता है और एक डुप्लीकेट, मतलब वही चीज होता है लेकिन डुप्लीकेट होता है, इसमें जो चीजें लगी हुई हो वो क्या होता है, वो कमजोर होते हैं, ठीक है, और जो ओरिजिनल है वो तो बस ओरिजिनल है, बाजों का हम कहते हैं ये ओरिजिनल है और दूसरा जो है वो चाइना वाला क्या है। तो अब यहां पर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक चाइना वाला है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन एक दफा हो गया तो ये हमेशा के लिए इसमें पोलराइज होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो, पोलराइजेशन जीरो नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो तो फिर भी पोलराइजेशन क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, NaCl है या H2O है, मतलब वाटर है, क्लियर होगी बात। इसी तरह अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लें, चाइना वाले ले लें, तो फिर ये टेम्पररी होगा, डुप्लीकेट तो टेम्पररी होता है ना, ठीक है, ओरिजिनल तो नहीं होता, तो टेम्पररी पोलराइजेशन है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है तो पोलराइजेशन जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो गया तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है, हीलियम, H2 मेरे ख्याल में हीलियम है ना, अच्छा जो भी है, आयल एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में हम डाइपोल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाई मीन टू, अपोल आप लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल है, तो द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, या हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों में से एक जो है एमसीक्यू में आ सकता है, ये तो खैर बार बार एमसीक्यू में ही आता है, ठीक है, इस दफा इसके चांसेस अगर ये आ जाए तो। सिंबल क्या है, पी से हम इसको डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है, क्यू इंटू डी है, और नेचर इसका क्या है, वेक्टर है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, कूलम इंटू मीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, कूलम, और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। CGS में इसका यूनिट क्या होगा, कूलम की जगह आ गया ESU, मीटर की जगह आ गया सेंटीमीटर, और जो बेस यूनिट है तो बेस क्या होगा, कूलम की जगह आ गया एम्पेयर सेकंड, और मीटर अपनी जगह पे, और फिर डायमेंशन क्या होगा, ए की जगह ए आ गया, एस की जगह डी आ गया, और मीटर की जगह एल आ गया, तो L^1, A^1, T^1। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, बल्कि आए भी है, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, क्लियर हो गई बात। तो ये था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उम्मीद रखता हूँ यहाँ पे आप लोगों का जो माइंड है, यहाँ पे जो आप लोगों का कंसेप्ट है, वो क्लियर होगा। अब जो भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज से लेकर इलेक्ट्रिक डाइपोल तक जितनी भी आपके क्वेश्चन हो, वो एक पेज पे लिख के और मुझे भेजे कि मैं उसको सॉल्व करूँ, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पॉइंट जो है वो डिस्कस नहीं किया है
और आप लोग डरते हो कि नहीं ये तो हम सर से नहीं पूछ सकते, ये तो सर ने डिस्कस नहीं किए, या वो जो भी पॉइंट है मैंने डिस्कस किया है या मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, शायद ये हो सकता है कि इंसान जो है ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने एक पॉइंट छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं उम्मीद रखता हूँ ऐसा पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने हर एक कोशिश किया है कि हर एक एंगल से पॉइंट को डिस्कस करूँ, ठीक है। फिर भी अगर छोड़ा है तो और उसमें जो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।